नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, पाकिस्तान की सोच में सकारात्मक नहीं आ रही है और पाकिस्तान अपने सुनियोजित तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे ही रहा है। खुद हम जानते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर सकती है। पहले भी उन्होंने सैंक्शन लगाया, लेकिन आज फिर चोरी छिपे से अजहर मसूद आतंकियों का सरगना उसको पाकिस्तान ने छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए घातक भी साबित हो सकता है। हालांकि अजहर मसूद को लेकर के पहले से ही ये क्यास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह नहीं की है और चोरी छिपे उस आतंकी सरगना को छोड़ दिया है जिसने भारत में बहुत बड़े बड़े आतंकी वारदातों को अंजाम कराने के पीछे अपना मास्टरमाइंड इस्तेमाल किया था। आपको बताते चले कि अजहर मसूद के रिहाई को लेकर के रियासत जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने भी कहा है कि पाकिस्तान लगातार गलतियां दोहरा रहा है, पाकिस्तान पूरी तरह से बीमारियों से ग्रस्त है, मानसिकता उसकी खराब हो चुकी है। ये देखते हैं फारूक खान का क्या कहना है। नहीं है, पाकिस्तान पिछले 70 साल से इसी तरह की हरकतें हमेशा करता रहा और वो शायद अपने इंटरनल जो उनकी मुश्किल आते हैं उनसे अपने लोगों का ध्यान बटाने के लिए वो इस तरफ ऐसी हरकत कर रहा है। और अब सबको मालूम है कि भारतीय सेना इसका बहुत अच्छी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रही है और भारत सरकार का जो महकमा यानी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की इस प्रोपेगंडा वार को बहुत अच्छी तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं और पाकिस्तान ने अभी तक जितनी भी कोशिशें की हैं इस किसी भी भारत के रिलेटेड मसले को इंटरनेशनलाइज करवाने की वो हमेशा फेल हुआ है उसमें और आइंदा भी वो उसी तरीके से फेल होता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के बारे में सब जानते हैं कि वो झूठ बोलने और झूठी बातों को फैलाने में हमेशा बड़ा सक्षम रहा है, लेकिन उनका झूठ कभी नहीं चल पाया, अपने देश में नहीं उनके चल पाया, बाकी विश्व में क्या चलेगा। पाकिस्तान की तरफ से ये सारी कोशिशें जो हैं उसपे करवाने की टेररिस्ट पे हमला भेजने की तो नई चीज़ नहीं है, वो अपनी कोशिशें करते रहते हैं। और भारतीय सेना जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर देखभाल कर रही है वो सक्षम है, पूरी तरह से चाकू चौबंद है और ऐसी किसी भी जो घुसपैठ का वो पूरी तरह उनको जवाब भी दे रहे हैं। और ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि बदकिस्मती हमारी ये है कि एक पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हमारा देश है और उस देश ने कभी भी अपने आप में अपने अंदर में वो कभी भी सुख शांति और प्रोग्रेस नहीं कर पाया, तो वो इन्हीं हरकतों में हमेशा जुटा रहा है। लेकिन ऐसी तमाम हरकतों का जो जवाब है उसको बड़ा मुंह तोड़ दिया जाता रहेगा। शायद पाकिस्तान से आप किसी भी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकते, वो एक डिजीज कंट्री है, एक सिक कंट्री है जिससे किसी तरह से भी आप कोई अच्छी बात या किसी हेल्दी उसका व्यवहार का आप एक्सपेक्टेशंस ना ही होनी चाहिए ना ही है। और जहाँ तक ताल्लुक है उसका तो किस पोर्शन को इस्तेमाल करेगा घुसपैठ के लिए, तो उसने पहले भी ये बड़ी बड़ी क्वेश्चन की है, हर दफा उनकी क्वेश्चन को नाकामयाब किया गया और आइंदा भी जब वो करेगा तो उसको मुंह दिखाना पड़ेगा। देखिए, प्रोपेगंडा का जवाब हमारी सच्चाई दे रहा है, उनका प्रोपेगंडा है और हमारी सच्चाई है। सच्चाई अपने आप में किसी भी प्रोपेगंडा का मुंह बंद कर देता है। हम सच पे चल रहे हैं, जिस तरह का सिचुएशन है जहाँ पे भी वो हम सच्चाई से बताते हैं उसको पेश करते हैं और जहाँ पर दिक्कतें हैं उसके बारे में भी बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो प्रोपेगंडा है उससे हम ना तो पीछे हटने वाले हैं ना डरने वाले। तो दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता। ब्रिगेडियर साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। जिस तरीके से पाकिस्तान ने चोरी छिपे अजहर मसूद को छोड़ दिया है, क्या कहेंगे आप? अजहर मसूद जब से हुई है उसके बाद सुर्खियों में रहे हैं जी। पहले तो कहते थे कि उनकी मौत हो गई है जब वो बुरी तरह बीमार है, फिर उनके ऊपर अस्पताल में हमला हुआ, फिर पाकिस्तान ने उनको छुपा के रखा। कहने का मतलब यह है कि वो पाकिस्तान के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान उसको जगह जगह पे उसकी हिफाजत करके उसको बचा के रख रहा है जी। तो वो पाकिस्तान का एक
ट्रंप है, ट्रंप का पत्ता है जी, ट्रंप का पत्ता है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए अब लगता है पाकिस्तान को जो मौका आ गया है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसे जो हिरासत में रखा गया था उसको छोड़ा गया है ताकि वो दोबारा कार्रवाइयां कर सके और तैयारियां कर सके, भर्ती कर सके आतंकवादियों की और उनको हिंदुस्तान में दाखिल भेज सके। ब्रिगेडियर साहब, आप तारीफ के कसीदे पढ़ते रहे हैं केंद्र सरकार की जो एक्सटर्नल पॉलिसी, एक्सटर्नल अफेयर, जो विदेश मामले, उस पर जो कूटनीति रही है भारत की, आप उसके कसीदे पढ़ते रहे हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी काम नहीं कर पाया कि पाकिस्तान ने फिर उस आतंकवादी सरगना को छोड़ दिया जो हिंदुस्तान में आतंकवाद खिला रहे? देखिए, ऐसा है कि जब पाकिस्तान ने ठान ली है तो उस वक्त कोई भी दबाव है उसको नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी ऑप्शन थी भारत के खिलाफ वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है, मतलब एक ही ऑप्शन उसके पास बच गई है, वो आतंकवाद जी। और पाकिस्तान की जो बखलाहट है और पाकिस्तान को जो मार पड़ी है उससे बचने के लिए पाकिस्तान अब आतंकवाद का ही सहारा लेना चाहता है, तो उसके लिए अगर उसके उसने ताला है इसको इतनी देर, उसका इस्तेमाल भी करेगा। ब्रिगेडियर साहब, आपको नहीं लगता कहीं बौखलाहट में पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल ना कर दे? नहीं, इतनी बौखलाहट भी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो न्यूक्लियर बम उसके ऊपर भी गिर सकता है, इसलिए बौखलाहट में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हमदा भी हो गया है। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे रिटायर्ड कर्नल असद पठानिया के साथ। पठानिया साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जैसे अजहर मसूद को छोड़ दिया गया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पिछले 5 अगस्त के बाद जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से बुखलाहट में है, फ्रस्ट्रेटेड है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिप्लोमेटिक क्रम हर जगह वो फेल हो चुका है जी। अभी उनका जो लास्ट स्ट्रा बनता है कि वो जो जितने भी आतंक के सरगना है, आप लखवी ले लीजिए, आप हाफिज सईद ले लीजिए और आप अजहर महमूद ले लीजिए जी, अभी ये लोग उनकी सपोर्ट ढूंढ रहे हैं ताकि मिलिटेंट कार्डर को रिवाइव करके वो कश्मीर में किसी वारदात को अंजाम कर सकें जी। दूसरा इसका मतलब ये निकलता है कि पाकिस्तान इस समय इतना डेस्परेट हो चुका है जी कि वो इंटरनेशनल कमेटी और यूएन के अंदर जो यूएन में उनको जो लताड़ पड़ी थी सिक्योरिटी काउंसिल में उसको भूले नहीं है जी। उन्होंने अपनी जो अपनी पब्लिक है उनको भी खुश करने के लिए अपनी जो बेवडो है और अपनी जो हिकमत अमली है उसको भी जाहिर करना है जी। तो ये भी मैसेज दे रहे हैं वो वर्ल्ड को कि हम आपकी परवाह नहीं करते या यूएन की हम आपकी परवाह नहीं करते हैं और हमने जो एम अचीव करना है, क्योंकि पाकिस्तान में ये लोग कह चुके हैं कि कश्मीर हमारी जनरल वेन है जी। तो जब वो ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में पहुंच चुका है तो इससे डिडक्शन यही निकलती है कि वो आतंकवादियों को इकट्ठा करके उनके थ्रू मिलिटेंट को अंदर भेजेगा और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देगा अपने सिंपेसाइजर और जो स्लीपर सेल के जो बंदे कश्मीर में ऑलरेडी हैं जी। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव जो बनना चाहिए था पाकिस्तान पर नहीं बन पाया है? क्या जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसको कोई एक्शन लेना चाहिए इस वक्त? देखिए, इससे क्या होगा, मैं इसमें पाकिस्तान वो क्या कर रहे हैं कि ये डेस्परेट सिचुएशन नीड डेस्परेट मेजर, वो डेस्परेट मेजर ले रहे हैं जी। और इनका जो फॉलो आउट होगा उनका, ये जो FATF की भी हम बात करते हैं टास्क फोर्स की जी, या जो मैसेज वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे रहे हैं वो एक नेगेटिव मैसेज है जी। इससे इनका नुकसान ही होगा, इनकी से इनकी इमेज नहीं बनेगी, लेकिन वो अभी इस हद तक गिरते जा रहे हैं कि उनको कोई समझाने वाला नहीं है। अभी आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर इनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान बेसिकली रन कौन कर रहा है, ये इनकी आर्मी और ISI है और उनको लग रहा है कि उनकी पावर जो है वो निकलती जा रही है, उनकी जो सोचने की शक्ति है वो भी खत्म होती जा रही है जी। और वो सिर्फ वो ऑब्सेसिव होके ऑब्सेशन के जरिए ये सारे डेस्परेट मेजर जो है वो यूज कर रहे हैं। कलम उठानिया, तख्ता पलटना कोई बड़ी बात नहीं रहती पाकिस्तान में, क्या ऐसे आसार तो नहीं बन रहे हैं कि इमरान खान की छुट्टी हो सकती है? देखिए, इमरान खान की छुट्टी हो चुकी है इस समय, आपने अगर उसको देखें मिलिट्री इतिहास में किसी भी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन नहीं मिली है right। ये एक पहला मौका है जहां पे जनरल बाजवा ने उसके हाथ पकड़ के उससे बोला कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम मेरे को 3 साल की एक्सटेंशन दो जी। तो ऑफिशियली तख्ता पलटनी है, और जहां तक पाकिस्तान को चलाने का सवाल है वो जो है वो पाकिस्तान आर्मी और जनरल बाजवा कर रहे हैं जी। जनरल बाजवा इसमें ये भी नहीं सोच रहे हैं कि उनका जो अपना आर्मी के जो जनरल जो सक्सेशन उनकी बैटल है उसके अंदर क्या फर्क पड़ रहा है, वो भी एक मुद्दा होगा उस पाकिस्तान आर्मी के अंदर डिसेंट का जो आस्ते आस्ते उभर के बाहर आएगा।
जी क्योंकि इनकी जो बैटल ऑफ सक्सेशन की जो होता है चेयर्स की हुई गुण भी द नेक्स्ट चीफ जी वो सारी इक्वेशन जो है बदल जाएगी। राइट राइट तो मैं ये भी मान के चलता हूँ कि कुछ लोग जो जनरल्स होंगे कोर कमांडर इनके बेसिकली वही है तो उनके अंदर भी डिसेंट आया होगा और कुछ ना कुछ ब्रू हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस समय काफी मुश्किल हालात मेरे को लग रहा है नजर आ रहे हैं तभी वो इस किस्म के डेस्परेट मेजर ले रहे हैं जी। दर्शकों अब हम बात करेंगे उन परिवारों की जिन्होंने यहां पर शादियां की और उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे और 370-35 से हटने के बाद अब वो खुश हैं। कुछ ऐसे लोग जो बाहर से आकर के जम्मू की लड़कियों के साथ शादी करते रहे हैं लेकिन उनको कोई राइट नहीं मिलता रहा है, उनके बच्चों को कोई राइट नहीं मिलता रहा है, आज वो इस बात को लेकर के खुश है। हमने जम्मू यूनिवर्सिटी से बातचीत की, जम्मू यूनिवर्सिटी के लोगों से बातचीत की और उनका कहना था कि हम लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं और हमें कोई राइट नहीं मिल रहा था। उनका कहना है कि अब हमें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हम एक ही कंट्री में रहते हैं। पहले अगर 370 लगा हुआ था तो उनका कहना था हमें ये लगता था कि हम किसी दूसरे राज्य में रहते हैं जिसमें हमारे कोई भी राइट्स नहीं है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चलता ही रहता है, दिमाग में चलता रहता है कि आज अगर बच्चे छोटे हैं कल को बड़े भी होंगे तो अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं यहीं जहाँ पे भी स्टेट सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसमें थोड़ा सा बंदा फिर मेंटली जो है वो परेशान हो जाता है। इट्स लाइक ए मेंटल हरासमेंट कि अगर आप इस स्टेट को एक पूरा कोई 20-25 साल 30 साल अपनी लाइफ के दे रहे हो और आपने यहाँ शादी भी की है तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो स्टेट सब्जेक्ट का इशू था ये भी ऑलमोस्ट 35 ए जाने से ये भी चला गया है। तो सभी लोग जो हैं जो बाहर की स्टेट के हैं स्पेशली जो यहाँ पे जिनकी मैरिज हुई थी, मैं फिर वही पॉइंट बोलूँगा कि वुमेन और मैन जो हैं वो इक्वल स्टेटस पे हैं और मैन एंड वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स भी सेम हैं। तो इट्स ए बिग आई थिंक अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। घर जो है हम बना सकते हैं और आई थिंक अपने बच्चे जो हैं उनका भी फ्यूचर सिक्योर है अब क्योंकि 35 जाने से एक जो शंका थी कि क्या आप अपनी ज़मीन ले सकते हो नहीं ले सकते हो वो ख़त्म हो गई है। तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आने वाले टाइम में लोगों को और समझ आएगी और इसको अप्रिशिएट करेंगे। मेरा तो यही ओपिनियन है, दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, सो मैं पूरा सोसाइटी को एंडोर्स नहीं कर सकता कि ये उनके कमेंट्स हैं, मैं अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपके सामने रखा। कि मैं यहाँ पे आ गई, मेरी सर्विस यहाँ लग गई अब लगभग 10 साल से और उससे पहले मैं अम्बाला में मेरी शादी हुई। तो अब मेरे माँ बाप ने प्रॉपर्टी मेरे नाम भी की तो लेकिन डर ही लगता था ना कि वो नाम तो कर दी मेरे नाम लेकिन उसका भविष्य में क्या मैं कुछ सदुपयोग कर पाऊँगी, कानूनी भी ठीक है या नहीं ठीक है या मेरे बच्चे भी इसका उपयोग कर पाएंगे या नहीं, ये भी दिक्कत थी। और कई बार ऐसा भी हुआ कि यहाँ पोस्टें खाली थी, मैंने सोचा अप्लाई करूँ, फिर मेरे दिमाग में यही हुआ यूनिवर्सिटी में कितनी बार, यहीं से मैंने एमफिल और पीएचडी किया और यहाँ पोस्टें खाली हुई लेकिन मैंने भरा नहीं फॉर्म यही सोच कर कि भाई मेरे को आगे भविष्य यहाँ मेरा ठीक नहीं है क्योंकि 370 और 35 सीए के तहत बहुत सारे अधिकार मेरे को नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही ये हटने की बात आई सामने तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला और एक निश्चिंतता हो गई कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं और यहीं कहीं सेटिंग हो जाएगी, अब तो ना प्रॉपर्टी की चिंता है ना किसी और चीज़ की चिंता है। तो बहुत बड़ा एक मुझे सुकून मिला जो मुझे लगता था मेरे से सब कुछ छिन रहा है और ऐसा लगा कि अब छिन नहीं रहा, जो मेरे जन्मजात अधिकार हैं उनका मैं उपयोग कर पाऊंगी। दर्शकों दूसरे राज्यों के लोग यहां पर अहम पदों पर रह करके अपनी सेवाएं देते हैं और जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको अपना बोरिया बिस्तर लेकर के अपने राज्यों में जाना पड़ता है, एक नए सिरे से उनको अपनी पहचान बनाने के लिए वहां मुशक्कत करनी पड़ती है। आपको बताते चले कि जो लोग यहां पे रहते हैं बाहर से आकर के इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहते हैं उनका फ्रेंड सर्कल, उनके जो रिश्ते हैं वो यहां पर बन जाते हैं और वो रिश्ते बनाने से भी डरते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनको वापिस जाना पड़ेगा, लेकिन आज वो खुश हैं कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ रह पाएंगे, अपना एक मकान खरीद पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएंगे,
उनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं होने के कारण उनके बच्चे अच्छी तालीम नहीं पा रहे थे और जो रिश्ते बनाते थे उनमें भी वो थोड़ा सा लाव लपेट करते थे क्योंकि उनको पता था वहां से छोड़ के चला। लेकिन आज वो खुश हैं जब 5 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा 5 अगस्त को राज्यसभा और 6 अगस्त को लोकसभा में 370 को हटाए जाने संबंधी बिल पारित हो गया। तक ये 370 और 35 से था इस जम्मू कश्मीर में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ ये थी कि हमारे बच्चों को ना तो अच्छी जगह एडमिशन मिलता है पढ़ने के लिए, ना ही हम यहाँ पे मकान बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बच्चे हैं तो यहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है तो हमारे बच्चों को वहाँ एडमिशन नहीं मिलता। मजबूरी में बच्चों को या तो जम्मू से बाहर भेजें या भारत से बाहर भेजें। तो कम से कम ये एक मन में भावना आ गई है कि अब हमारे बच्चे उसी रूप में पढ़ पाएंगे जैसे जम्मू कश्मीर में रहने वाले बच्चे हैं। 370 और 35 से हटने के बाद 31 अक्टूबर के बाद संभवतः वह संपूर्ण अधिकार यहाँ जम्मू कश्मीर में रहने वाले जम्मू के बाहर के लोगों को भी मिलेंगे जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को मिल रहे हैं। और जो भी यहाँ 20 साल 22 साल 25 और 30 साल से जम्मू में रह रहे हैं उनका एक लगाव है जम्मू कश्मीर से कि हम यहाँ इतने दिन हैं, हमारा एक परिचय है। तो उस लगाव के चलते वो यहाँ बसने के भी सोचेंगे और अपने जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको एक दूसरे से शेयर भी करेंगे। आज से मैं यूनिवर्सिटी क्वार्टर में हूँ नंबर एक, लेकिन आज तक मेरे पास कहीं भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। रीज़न ये है कि मैं सर्विस मेरी यहाँ है लेकिन मैं यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। इस दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नंबर एक। नंबर टू, जो लोग बाहर के हैं उनको अब ये अनुभूति नहीं होगी कि हम देश से बाहर हैं। पहले ये लगता था कि हम लोग बाहर आके बैठ गए हैं। अब खास करके मेरी एज अब एक दो साल में जो रिटायर्ड होना है, जैसे आपने कहा कि अगर एक पेड़ अब एक किस्म से अब पूरा ज़िंदगी जीने के बाद नई जगह पर शिफ्ट होने के लिए कहा जाए, है ना, वो स्थिति होती है। आपकी सोसाइटी यहाँ है, रिलेशन यहाँ है, प्यार मोहब्बत यहाँ है, लेकिन आप यहाँ से कंपेल किए जाते हैं कि आप यहाँ से जाओ। अब आपका यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि जो नौकरी थी आपकी नौकरी ख़त्म हो गई। अब यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, यू मस्ट गो आउट ऑफ दिस स्टेट। दर्शकों, हम सब जानते हैं निज़ाम बदला है और ख़ासतौर पर ट्रैफिक नियमों में जो बदलाव आया है उसको जागरूकता नियमों को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए आज एक जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा चालक और स्कूली छात्र छात्राएं भी मौजूद थी। आईजीपी ट्रैफिक ने यह बताया कि अब नियमों में बदलाव हो गया है, लोग नियमों के मुताबिक काम करें और उनका यह भी कहना था कि कोशिश की जाए नियमों को ना तोड़ा जाए, नहीं तो बड़ा जुर्माना उनके हाथ में लग सकता है। तक लोगों को जब फाइन के रकम कम था तो पीनट की तरह लोग लेते थे इसको, वायलेशंस। नो डाउट कि हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो हलाकार हैं पिछले साल 2018 में करीब 9,13,000 लोगों को चलान किया और 20 करोड़ से ज़्यादा रुपया फाइन किया, बावजूद इसके आइसोलेटेड वायलेशंस होते रहे हैं। अभी 8 महीने में ही करीब हम 4 लाख के करीब होने जा रहा है हमारा चलानिंग का, कंपाउंड और इसके चलान का। तो और इससे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें दिखता है और आपको भी जैसा दिख रहा होगा कि लोगों में है कि भाई फाइन ज़्यादा होगा तो वायलेशन ना करें, फाइन से बचें। तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से लोगों को संदेशा देना कि आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करें और अपने टाइम और पैसे दोनों के
बचत करें और अपने जिंदगी को भी सुरक्षित रहें। एसपी हाईवे से हमने बातचीत की और उनका यह भी कहना था कि कहीं ना कहीं एक अच्छा बदलाव जो आया है, उनका कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर, नेशनल हाईवे पर जिस तरीके से ओवरलोडिंग होती थी वो कम की जाएगी। उन्होंने बताया कि 91 ऐसे मामले दर्ज किए गए जिसमें ओवरलोडिंग का मामला सामने आया था। उनका कहना है कि वारदात एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। ज़्यादा वहाँ पर नेशनल हाईवे पे इनडिसिप्लिन रहता है डबलिंग का, ट्रिपलिंग का, क्योंकि नेशनल हाईवे अभी कम्प्लीटली बना नहीं है। जखैनी से लेके जोहार टनल तक ये अभी अभी डुअल ही इसका जो कैरेज वे है, अभी तो फोर लेन अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो उससे ये हमें प्रॉब्लम आती है। बाकी एक्सीडेंट्स का हम चलाने का है, और हमने FIRs भी जो ओवरलोडिंग जहाँ पर जिक्र करें तो इस साल ही हमने कोई 91 जो है हमारा फिगर है FIRs का हमने दिलाई है। उससे एक असर होता है चलान करने के अलावा, हम ड्राइविंग लाइसेंस और जो रूट परमिट्स हैं उनका कैंसिलेशन भी कराते हैं। इसमें नए कानून में जो है जो पेनल्टीज हैं बढ़ा दी गई हैं, उसका हम उनको भी अवेयर करेंगे। हमने आज जो यहाँ पर प्रोग्राम अवेयरनेस का किया है उसमें भी स्टेक होल्डर्स आए थे, टैंकर्स यूनियन के आए थे, बाकी जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग आए थे, ऑटोमोबाइल जो एसोसिएशन के लोग हैं वो आए थे। इन सारों को भी हम साथ लेके चलेंगे, बताएंगे। जहाँ तक नशे का है तो हमारे पास जो हैं वो किट्स भी हैं, हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं, और ताकि उसे पता लगे कि किसी ने नशा किया है नहीं किया है। तो कुल मिला के हम ये कोशिश करेंगे कि पेनलाइज जो है पेनल्टीज़ हैं उनको एक प्रोसेस इस तरह बनाएं कि लोगों का हमें उसमें सहूलत भी महसूस, उनको भी कोई हरासमेंट ना हो, और हम भी उनको ये एहसास दिलाएं कि ज़िंदगी जो है वो कीमती है। गवर्नमेंट का ये गोल है, ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ज़िंदगी बचाई जाए। दर्शकों, एक बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आया है। जुर्माना 25,000 तक भी है, लेकिन लोग आजकल साथ में पैसे कैरी नहीं करते हैं, और ट्रैफिक पुलिस के पास स्वैप मशीन भी नहीं है कि वो अपने कार्ड का इस्तेमाल कर सके। ये चिंता का विषय है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए अभी टाइम लगेगा, और आइए देखते हैं ट्रैफिक पुलिस अधिकारी का क्या कहना है। अभी हमारे लोगों में उस हिसाब की अवेयरनेस नहीं है, उसी मसले में हमने काफ़ी सारे जो है आज भी जो है मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम रखा हुआ है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो हमारा यही बेसिक कोशिश रहती है कि हम हर बंदे को अवेयर कर सकें कि वो इस कानून की वायलेशन ना करें, क्योंकि इसके लिए जो है पेनल्टीज काफ़ी हाई रखी गई हैं। तो ऑन ग्राउंड पे परेशानी तो रहती है, प्रॉब्लम तो आएगी। वो मेन प्रॉब्लम यही रहेगी कि जैसे कि हमारे लोग इतनी आदत नहीं है कि पैसे इतने कैरी करते हों, तो अभी हमारे पास ऐसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो उस मसले में हम क्या करते हैं कि सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं कि उसको हम कोर्ट का चलान देने की कोशिश करते हैं। उसमें हम लोकल पुलिस की भी हेल्प लेते हैं, और अपने लड़कों को भी ब्रीफ किया है कि आपको जो है प्यार से डील करना है, कोई ऑफेंसिव होता है तो उसका हम लीगल एक्शन लेंगे। बिल्कुल होगा, जैसे हमने प्रोग्राम भी चलाए हैं और लोग भी समझ रहे हैं कि बगैर इसके उनका मतलब बचने वाले नहीं है, क्योंकि ये पेनल्टी जो है, ये जो चलानिंग पेनल्टी है, ये काफ़ी उनके लिए भारी पड़ सकती है। हमने मेटाडोर चालकों से भी बातचीत की, जरूरी था क्योंकि उन पर आरोप लगता है कि वो मैस क्रिएट करते हैं। ट्रैफिक की वजह जो है वो मेटाडोर ही बताए जाते थे, बार बार उन पर आरोप लगते थे, लेकिन उनका आज कहना है कि जब नियम सख्त होते हैं तो पालन करना लाजमी हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम सब अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि ट्रैफिक पुलिस भी उनको ताबून करेगी। सर, ये अच्छा है हमारे लिए, इसे ट्रैफिक नियम अपनाए जाएंगे, हम चाहते हैं कि सारे इसको फॉलो करें। और ये अच्छा ही है कि पहले तो हमारे पास था नहीं, लोग 100 रुपये दे के निकल जाते थे, जहाँ एंट्री वगैरह चलती थी दे के निकल जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमें इनका साथ देना पड़ेगा, ये हमारा साथ देंगे। नहीं सर, उसको तो अब सारों को देखना पड़ेगा ना। और हम वैसे दूसरे मुद्दे में आए हैं, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास सवारी नहीं है तो हमें चलान कैसा होगा, हमारे कागज़ पूरे हैं तो हमें चलान कैसा होगा, हमारे पास वो मुद्दा नहीं है। हमारे पास मुद्दा है कि हमारा जो रूट है वो हमारा चेंज किया। ठीक है,
जी ठीक है सर, क्योंकि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ओके होंगे पूरे होंगे तो क्या बोलते हैं जुर्माना नहीं होगा, ओवरलोडिंग नहीं करेंगे तो कोई जुर्माना नहीं होगा। वो हमने जूनियर वालों को बोला था सर कि हमारे स्टॉपेज चाहिए, तो कह रहे हैं सोचेंगे आपके लिए भी। पहले सबसे बड़ी बात है कि जो साइडों में गाड़ियाँ लगी रहती थी उनका कुछ करेंगे पहले, उसके बाद स्टॉपेज बनेंगे। दर्शकों, जागरूकता शिविर में बच्चे भी मौजूद थे, हमने बच्चों से भी बातचीत की और बच्चों का ये कहना था कि फिलहाल हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं क्योंकि हमारी आयु नहीं हुई है, लेकिन हम ये अवेयरनेस आगे अपने पेरेंट्स को बताएंगे, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी बताएंगे। यानी वो भी बड़े खुश थे कि नए नियमों से कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं में कमी जरूर आएगी। यही कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, कि ट्रैफिक रूल्स तोड़ने से तो वही अपनी ही जान को खतरा है, तो इस वजह ट्रैफिक रूल्स ही फॉलो करने चाहिए। और नेक्स्ट फ्यूचर में हम जनरेशन हम सीखेंगे तो आगे हम सिखाएंगे, तो इस वजह से हम भी फॉलो करें। ओब्वियसली हाँ, ये होगा तो फिर एक्सीडेंट्स कम होंगे, क्योंकि ऐसे भी हमारे जम्मू में बहुत एक्सीडेंट्स, तो ये चीज़ कम होगी। ये चीज़ रुकनी चाहिए, माँ बाप को मतलब कि ऐसा हो जाए तो फिर उनको पता भी चले कि ऐसा ये चीज़ भारी पड़ती है, वो चीज़ होनी चाहिए कि उनको पनिश पता चले कि ये कैसे हो जाता है। जी मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक्सीडेंट कम होंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ही अपनी कंट्री की एक नींव होते हैं। अगर हम ही सीखेंगे तो आगे भी चल के भी सब हमसे सीखेंगे। अगर हम ही जान चुके हैं कि हमें संभल कर चलना है, हमें अपने मम्मा पापा की भी ध्यान रखना है कि हम अगर हमारी जान जाती है तो हमारे मम्मी पापा की भी जान ऑब्वियसली जाती है। अगर हम ही सीखेंगे तो हमसे भी और लोग सीखेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारी सेंटर की तरफ से ये नियम स्टार्ट हुए हैं बहुत अच्छे हैं, इनसे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किस तरह सेफ्टी से चलना है रोड में। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल पालन करना चाहिएगा, क्योंकि इसे हमारे सेफ्टी के लिए ही किया इन सब ने, हमारे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा ये न्यूज सुन के कि इन्होंने ऐसा किया और ये लेक्चर कंडक्ट कराया था। हाँ, आने वाली जनरेशन को भी फायदा है इससे, एक्सीडेंट होना कम हो जाएंगे, सड़कों पे लोग ठीक से ड्राइविंग करेंगे, कोई वो ये जो ड्रिंकर्स थे इनके लिए भी अच्छा किया इन्होंने, ये ट्रक्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा हुआ मेरी तरह। अगर हम ट्रैफिक रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट कम भी हो सकते हैं सर, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है हम उसको किस साइड से लेंगे। अगर पॉजिटिव वे से लेंगे तो एक्सीडेंट्स मुझे लगता है मिनिमम से मिनिमम हो जाएंगे, और अगर इसको हम नेगेटिव वे से लेंगे, हम बोलेंगे गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, कोई सोचता है ऐसा, तो इसका नेगेटिव वे में जा सकता है और एक्सीडेंट ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं सर। फिर वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस साइड से लें इसको, चाहे बेटा बेटी जो भी है 18 ईयर्स के अबव ना हो जाए तब तक किसी को स्कूटी देनी नहीं चाहिए सर, ये गलत बात है सर। मेरे पेरेंट्स भी इसके लिए बहुत ज्यादा करते हैं कि नहीं, जब तक मेरा बच्चा 18 ईयर्स के बाद लाइसेंस ना बन जाए तब तक स्कूटी देना बहुत गलत बात है सर, कुछ भी देना, कार स्कूटी वगैरह कुछ भी सर लगना चाहिए, सर लगना चाहिए। अब तो सिटी बसेस भी आगे हुई है सर, लगना चाहिए उसके ऊपर भी, जो ये रास्ते में खड़े कर देते हैं सिर 20 में। आजकल तो बोर्ड्स भी लगे हैं, हम देखते हैं सर, हम तो खुद जाते हैं, हम बोर्ड्स भी लगे हैं रास्ते में कि डोंट स्टॉप योर व्हीकल्स हियर सर, लेकिन तब भी लोग वहाँ पे खड़े होकर पैसेंजर को चढ़ाते हैं फिर वापस ले जाते हैं सर, उसके ऊपर भी होना चाहिए। यस सर, बचाने के लिए हो रहा है। फिर सर लोगों की सोच होती है, नेगेटिव ले लेते हैं कि रिश्वत ले रहे हैं या कुछ और, झगड़ा तो करेंगे सर, जो समझदार होगा वो तो नहीं करेगा, लेकिन फिर जिसको ना समझ हो तो वो तो करेगा सर। मैं तो इनके लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा किया इन्होंने ये सब रूल्स निकाल के। 3 महीने की कैद होगी, इससे कुछ रुकेगा क्या? शायद रुक जाएगा, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है वो किसी अपने मम्मी पापा की नहीं मानती है। हाँ, मैं भी हूँ, पर मेरे पापा कहते हैं कि स्कूटी तब लेनी है जब आपका लाइसेंस खुद का बन जाएगा, और 18 साल के तो नीचे बनता नहीं है। और जो माँ बाप जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती, वही मम्मी पापा अपने बच्चों को वो लेके देते हैं स्कूटीज वगैरह। लड़कियों को खासकर कि हेलमेट पहननी चाहिए, अपने रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रख के स्कूटी वगैरह या कोई भी व्हीकल्स चलाना चाहिए। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।